आपको सारा वीडियो आपको समझ आया होगा एंड आपको पता चल गया कि मैंने रेंसन के बारे में क्या क्या चीज आपको अवॉइड करने को बोला है। ये सारा चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड बहुत ज्यादा एफोर्डेबल भी है। क्या वो समझ नहीं आ रहा ना वीडियो, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो को जरूर देखना। एंड नहीं देखते हो इसीलिए आप आधा टिप्स लेते हो एंड पूरा टिप्स नहीं लेते हो, इसकी वजह से आपके ऊपर हाफ रिजल्ट दिखाता पूरा रिजल्ट नहीं दिखाते। बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने वीडियो के तरफ। सुबह जैसे कि अभी रेनी सीजन आ चुका है यानी कि बीच में चल रहा है एंड इसके ऊपर बहुत सारे बंदे कंफ्यूजन रहते हैं। कंफ्यूजन क्या रहते हैं, वो मिस्टेक को जरूर करते ही है। वो सोचते हैं कि जैसे कि हर जैसे कि सीजन चेंज होता है वैसे ही आपको अपने फैशन सेंस को चेंज करना पड़ेगा। इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा हर एक मौसम में आपको हर एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पूरा कपड़ा मिस ये नहीं बोल रहा हूँ कि समर सीजन में कुछ और कपड़ा खरीदो एंड विंटर सीजन में कुछ और खरीदो, हर 3-4 महीने के बाद आपको न्यू ड्रेस लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बस अपने फैशन सेंस में ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड उसमें कुछ चेंज करके आप बहुत ज़्यादा अच्छा एंड गुड लुकिंग दिखोगे। अगर वो फैशन टिप आप फॉलो करोगे तो सो कुछ आप मैं बता दूँ, जैसे कि रेनी सीजन आ गया, आप इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको पहला टिप जो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो वो है। सो कुछ नंबर वन पे हमारा है शॉर्ट्स। देखो रेनी सीजन में आपको क्या करना होगा ना, जैसे कि आप चीनोस एंड जींस आपको अवॉइड करना है क्योंकि रेनी सीजन में तो बारिश हुआ रहता है एंड उसमें आपको बहुत सारा काम रहता है एंड आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि आपको चीनोस एंड जींस के जगह या आप ट्राउजर पहनते हो उसके जगह पे आपको शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा। यानी शॉर्ट्स आपको बहुत तरीके का आ जाए, या आप दो ही शॉर्ट्स कर दो उसे ही मानसून सीजन में चलाओ। मानसून सीजन कितना देर तक, मुझे ज़्यादा मन तक नहीं चलता, तो इसके लिए आपको बस आपको 2 से 3 आपको शॉर्ट्स खरीदने पड़ेंगे। यानी कि शॉर्ट्स कुछ ऐसे वाले शॉर्ट्स जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड मैं बता दूँ मैंने जैसे कि इंस्टाग्राम में कमेंट किया, सबसे ज़्यादा वोट दिया था चीप एंड एफोर्डेबल प्लीज़। यानी कि बहुत सारा बंदे को, बहुत सारे मिडिल क्लास के बंदे रहते जो एफोर्डेबल नहीं है इनके लिए, यानी कि हर मौसम में उनको हर अलग कपड़ा खरीदना एफोर्डेबल नहीं है। बट मैं बता दूं कम रेट में भी आपको मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको क्या होता है ना, आपके माइंड में लगता है कि ऑनलाइन में मंगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही आपको घर के तरफ जो आपके स्टोर रहते हैं क्लोथ के स्टोर, वहाँ पे भी आपको कम एंड चीप रेट में आपको बहुत सारे, तो आपको शॉर्ट्स वहाँ से बाय करना है कम रेट में। एंड आपको स्टाइलिश वाली लुक चाहिए ना, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपके कोई भी एक जीन्स होगा पुराना, आपको क्या करना है उसे अच्छे से अपने शॉर्ट्स यानी कि अपने हाइट के मुताबिक अपने शॉर्ट्स को काट लेना है। काटने के बाद आपको उसके ऊपर कुछ अपने से कुछ डिज़ाइन बना, यानी कि इस तरीके से मेरा शॉर्ट्स आप देख सकते हो, मेरा शॉर्ट्स कुछ इस तरीके का है। मैंने इसके ऊपर 2-3 है, कैसे मेरे पास ऐसे 2-3 शॉर्ट्स है जिसमें ऊपर मैं अपने से खुद से डिज़ाइन बना है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। बट वो ऐसे ही मैं आपको क्या करना होगा अपने से उसके ऊपर डिज़ाइन, यानी कि क्या करना होगा आपको एक ज़्यादा कुछ नहीं लेना होगा, एक सुई लेना होगा एंड एक धागा लेना पड़ेगा। वो दो आपको क्या करना होगा, पहले आपको जो भी आपका शॉर्ट्स है उसके ऊपर एक पेंसिल से डिज़ाइन बना दो एंड उसके ऊपर अच्छे से आप सिल दो। उससे क्या होगा ना, जो डिज़ाइन रहेगा वैसे आप आउटलाइन मिल जाएगा ना, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉम दिखोगे। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप क्या करो ना जैसे कि गूगल में जाओ एंड अच्छा डिज़ाइन वाला कुछ सर्च मारो, यानी कि जीन्स के ऊपर जो भी डिज़ाइन बनता है उस टाइप का सर्च मारो एंड आप टेलर के पास भी जाके उससे करवा सकती है, आप घर में कर सकते हो। टेलर के पास जाओगे तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, यानी कि 10 से 20 होगा, बहुत ज़्यादा कम है एंड आपको हर बंदे के लिए अफोर्डेबल भी है। तो इसे यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि आपको बरसात के मौसम में आपको चीनोस एंड जीन्स बिल्कुल भी नहीं पहनना, अवॉइड करना है आपको। तो आप शॉर्ट्स पे जाओ एंड जैसे मैं बताया वैसे ट्राई करो, सच बोल रहा हूँ, मेरा खुद का ऊपर आजमाया तरीका एंड बहुत ज़्यादा बॉम्ब दिखता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो के तरफ। सो बॉयज हमारा सेकंड नंबर पे आता है, वो है आपका स्लाइडर्स, यानी कि आपको बूट्स एंड स्नीकर्स को आपको अवॉइड करना है क्योंकि बरसात के मौसम में एक तो रास्ता इंडिया का ऐसा है यानी कि आप एक लाइन चलोगे कि नहीं आपका पैर पूरा अलग लेवल के लुक दे देता है आपके शूज को। तो आपको क्या करना है, इसे अवॉइड करना पड़ेगा एंड आपको सारे बंदे स्लाइडर्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बट ब्रो मैं आपको बता दूँ इसमें 150 to 200 ऐसे टाइप में बहुत सारे अच्छे अच्छे आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके मार्केट में जाना, आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं जाना, ऑनलाइन जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा दिखाएगा एंड उसके ऊपर से डिलीवरी रेट अलग होगा एंड उसमें कभी कभी आइटम ही अलग आ जाता है, यानी कि आप चूज करोगे रेड कलर आ जाएगा ग्रीन कलर, तो इसे क्या फ़ायदा। इसीलिए आपको जाना है अपने फुटपाथ की तरफ जाओ यार, फुटपाथ में आपको लगता है कि बहुत ख़राब देगा, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत चीप रेट में बहुत ज़्यादा अच्छा सामान देता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह अच्छा देता है, बट आपको भी तो सेंस होगा ना कि कौन सा आपको स्लाइडर खरीदना है, तो वहाँ जाओ एंड आप खरीदो। तो स्लाइडर जिनको नहीं पता वो क्या होता है, वो ऐसे होते हैं। सो स्लाइडर्स एंड शॉर्ट्स बहुत ही अच्छा टाइम होता है बरसात के मौसम पहनने को, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इसे
खरीदो अगर है तो इसे स्टार्ट कर दो पहनना, एंड जीन्स एंड चिनोस को जितना हो सके उतना अवॉइड करो रेनी सीजन में बस। नंबर थर्ड पे आता है आपका रेनकोट। तो रेनकोट पहनने से बहुत सारे बंदे जादू के टाइप में दिखते हैं, यानी कि जिनका हाइट कम हो तो वो और पूरा जादू के टाइप में दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपका भाई हाइट के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया, तो जरूर से जाके इस वीडियो को चेकआउट करो, एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आपको हाइट छोटा है तो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया, एंड उससे आपका हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बस 5 मिनट में। तो इसे हटाते हैं एंड अपना बात स्टार्ट करते हैं। तो रेनकोट पहनना है आपको, सो आपको रेनकोट पहनने में बहुत ज्यादा खराब लगता है, यानी कि आपको स्टाइलिश नहीं दिखते, बिल्कुल भी जादू दिखते हो। तो इसका भी एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आपको क्या खरीदना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पॉलिस्टर जैकेट, यानी कुछ इस तरीके का आता है पॉलिस्टर जैकेट, इसमें बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स आ जाएंगे। तो आपको इसे ऑनलाइन बाय करना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन आपको मिल जाता है अच्छा एंड कम रेट में बहुत सही है, बट ब्रो आपको किसी चीज़ में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, चीप रेट है, बट आपको ऐसे ही पॉलिस्टर जैकेट आपको चीप रेट में मिल जाएंगे, बट वो आपको थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ेगा ब्रो, बिना मेहनत का कुछ भी चीज़ आसानी से मिलता नहीं है, तो इसे ध्यान में रखना। एंड सपोज ये मानसून फैशन टिप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, तो अगर रहा होगा तब जरूर नीचे कमेंट करके बता देना, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब मार दो, एंड बेल आइकन जितना हो सके जरूर दबाना। सपोज अगर आपको अपनी हाइट बढ़ाना है या आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है, यानी कि एक बार आप अपने बाल में हाथ मार रहे हो एंड आपका बाल 5 से 10 तक आपका हाथ में आ जा रहा है, तो ये आपका दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको डरना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना। इसके ऊपर आपका भाई बहुत ही अच्छा एक सीरीज लेके आया, जो कि ऊपर में जिनका भी हेयरफॉल हो रहा है वो ये वाला वीडियो देखे, एंड जिनका हाइट इंक्रीज करना है यानी कि 5 मिनट में 3 इंच हाइट बढ़ जाएगा, तो आपको या आपको सेकेंड वाला वीडियो पे चूज करना है, एंड ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड जितना उसे अपने फ्रेंड को शेयर करो जिनका भी हाइट नहीं बढ़ा है, या जिनका भी हेयरफॉल हो रहा है उन्हें भी शेयर करो, एंड ब्रो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे उतना ही अच्छा है सारे बंदों के लिए।